ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं 19 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल के विषय में, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक 12 राशियों का राशिफल लेकर के आए हैं आपके सम्मुख। और सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के विषय में, तो आइए जानते हैं सबसे पहले उनके व्यवसाय के विषय में कि इस सप्ताह आपका राशिफल क्या कहता है। आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं तो अवश्य ही पेश आएंगी, लेकिन कोई भी कार्य ना तो बिगड़ेगा और ना ही आप अपने विभाग में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पीछे हटेंगे। वैसे भी आप अपनी बुद्धि एवं परिश्रम से सभी समस्याओं का हल निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति इस सप्ताह आपकी, मतलब कह सकते हैं कि सामान्य ही तौर पर सही रहेगी। हो सकता है कि कुछ धनराशि आपकी जमा की हुई धनराशि में से व्यय हो। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में भी एक नया मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ बात जो है वो प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, विवाह होने की भी तैयारी आपके द्वारा की जा सकती है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन जैसी स्थिति कभी कभी पैदा हो सकती है, शेष ठीक रहेगा। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान के द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्ति हेतु अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से चलता रहेगा। वृषभ राशि के बारे में जानते हैं, 19 अगस्त से लेकर और 25 अगस्त तक का समय कैसा है इनका, तो सर्वप्रथम व्यवसाय की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस सप्ताह वैसे तो आपके अपने व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहने वाली है, लेकिन सप्ताह के मध्य में विशेष परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, जैसे कि आपके सम्मान में वृद्धि का होना तथा आपके अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों पर भी आपका प्रभाव बना रहने वाला है इस सप्ताह, जिसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। वित्तीय स्थिति, धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपकी आय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। धन का व्यय भी कुछ ऐसी चीज़ों पर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही परम आवश्यक है। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के योग मित्रों बिल्कुल नहीं है। विवाहित व्यक्तियों की जो विवाहित जीवन है, वैवाहिक जीवन, उसमें कुछ परेशानी हो सकती है उनके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के, और स्वास्थ्य में कुछ कमी यहाँ पर होती दिखाई देती है। तो आपको हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनकी केयर कीजिएगा। संतान, आपकी संतान की शिक्षा प्राप्ति में उन्हें कुछ कमी महसूस होगी, या कह सकते हैं कि वे ऐसा महसूस करेंगे कि परिणाम और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे जो कि नहीं हो पाए किसी कारणवश। स्वास्थ्य ज़्यादा तो प्रभावित नहीं होगा, देखिए स्वास्थ्य आपका, मगर थोड़ी बहुत कमी स्वास्थ्य में रह सकती है। मिथुन राशि के जातकों का 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है, आइए चर्चा करते हैं व्यवसाय के विषय में। सर्वप्रथम तो मित्रों, आपके व्यवसाय या रोजगार से संबंधित आप सकारात्मक परिणाम तो प्राप्त करेंगे। आप स्वयं को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी महसूस करने वाले हैं इस सप्ताह। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि फौज है, पुलिस है, या और किसी ऐसी ही जहां बल बहादुरी से संबंधित कार्य होते हैं जिस विभाग में, या फिर मेडिकल लाइन में आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं पहले से ही, तो यह सप्ताह आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। अगर आप इस समय में कोई अगर रिटर्न टेस्ट देते हैं, कोई क्वालिफाई अगर करना चाहते हैं और ये समय करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। इन कार्यों के लिए आप सफल होंगे। वित्तीय स्थिति, आय तो आंशिक मात्रा में प्रभावित ही होगी और साथ ही धन का व्यय भी होने वाला है, लेकिन अच्छे कार्यों में ही होगा, ऐसे वैसे कार्यों में नहीं होगा। प्रेम संबंध तो आपके चलेंगे बिना किसी समस्या के। विवाहित व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके किसी भी अनचाहे व्यवहार के कारण उनके पार्टनर का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है आपके व्यवहार के कारण। हमने यहाँ पर इस बात को बहुत जोर देकर के हमने बोल रहे हैं। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को
उनकी शिक्षा प्राप्ति में सामान्य से नीचे स्तर के परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, वायु विकार जैसी समस्याएं आपको पैदा होंगी। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों की कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनका 19 अगस्त से और 25 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। व्यवसाय के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस सप्ताह ग्रहों की बहुत ही सुंदर युति बनी होने के कारण आप अगर चाहेंगे तो अपने परिवार की मदद से कोई अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर रोजगार में हैं, पहले से ही हैं, तो आपको अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण किया आपने तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से सफल होने वाले हैं अपने विभाग में। और अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके लिए समस्याएं ज़्यादा बन सकती हैं। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति दृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी। आय के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से होने वाला है और सुख सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधित मामलों में प्रगति होगी। मित्रों, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन के बावजूद सुख शांति बनी रहने के योग बने हुए हैं। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को शिक्षा प्राप्ति में मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं इस सप्ताह, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव या फिर हड्डियों में दर्द, इस प्रकार की कुछ समस्याएं इस सप्ताह आपके लिए बन सकती हैं, तो आप कृपया इसका उपचार कराइएगा और इसका ध्यान रखिएगा। तो यह था आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल। आगे चर्चा करेंगे हम सिंह राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में कि 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का समय उनके लिए कैसा है। तो सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में रोजगार हो चाहे फिर आपका व्यापार, उससे संबंधित सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। आपको अपने ऊपर गर्व होगा। जो कार्य आप अपने विभाग में या अपने व्यापार में करेंगे, कुछ ऐसे विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त करने के बाद आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस अवधि में आपको क्रोध भी अधिक आएगा, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो यह आपके लिए उचित रहेगा। उन्नति के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति, आपकी आय के साथ साथ धन का व्यय भी आपके द्वारा किया जाएगा कुछ आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के ही लिए। वैसे आर्थिक स्थिति इस अवधि में सामान्यता ठीक रहेगी। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं मित्रों। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य रूप से चलेगा। संतान, आपकी संतान की शिक्षा इस अवधि में प्रभावित रहने वाली है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम की यहाँ पर आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य से ऊपर रहेगा, जिसको कहते हैं अच्छी हेल्थ रहेगी आपकी, गुड हेल्थ। कन्या राशि के जातकों का 19 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच का समय क्या कहता है, तो आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम व्यवसाय के विषय में, आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार से संबंधित विदेश भ्रमण के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति विदेश जाने के लिए पहले से ही प्रयासरत हैं या जाने में इच्छुक हैं, जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। अचानक सफलता प्राप्ति व उन्नति के भी अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति, आय के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए, लेकिन धन का व्यय भी विशेष रूप से बराबर होता रहेगा। सुख सुविधाओं का पूर्ण लाभ आप इस अवधि में नहीं उठा पाएंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में प्रगति एवं सफलता प्राप्ति के कोई योग नहीं है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध ठीक ठाक रहेंगे। आगे चर्चा करेंगे मित्रों आपसे आपकी संतान के विषय में, तो बताएंगे कि आपकी संतान को अपनी शिक्षा प्राप्ति में अधिक प्रयास करने पर बहुत जोर देना होगा, और अगर ऐसा किया तो अनुकूल परिणामों की ही प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य, छोटी मोटी व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे मगर कोई गंभीर समस्या नहीं बनेगी। आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों का कि उनका राशिफल 19 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच का क्या कहता है। व्यवसाय के विषय में जानते हैं, इस सप्ताह आप अपने रोजगार या व्यापार में अपनी बुद्धि बल के द्वारा समस्याओं का हल ढूंढेंगे, तथा अगर आप वाणिज्य या वित्तीय विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार में हैं, तो आप इसमें पूर्ण रूप से सफल होने वाले हैं। मित्रों, वित्तीय स्थिति कैसी है, धन की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहेगी, आय के अच्छे स्रोत बनेंगे, साथ ही सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो पाएगा। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में मजबूती दिखाई दे रही है और विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें कुछ विचारों में मतभेद बने रहेंगे। संतान,
आपकी संतान को शिक्षा प्राप्ति को लेकर मध्यम परिणामों की ही आपको आशा रखनी चाहिए इस सप्ताह। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से ऊपर रहेगा, यानी कि गुड हेल्थ जिसको कहते हैं, सप्ताह जो है हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनका 19 अगस्त से 25 अगस्त तक का कैसा समय जाने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उनके व्यवसाय के विषय में, आपको अपने रोजगार एवं व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर प्रदान होने वाले हैं इस सप्ताह। अपने कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और आपको विदेश से भी रोजगार और व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे भी योग बने हुए हैं। वित्तीय स्थिति, इस सप्ताह में होने वाली आय के साथ साथ धन संचय में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, साथ ही सुख सुविधाओं का भी लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। अब चर्चा करते हैं आपसे प्रेम संबंधों के विषय में। तो प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए आपको इस अवधि में ग्रहों का सहयोग नहीं मिल रहा है मित्रों, और अच्छा है कि आप इसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। विवाहित व्यक्तियों को अपने वैवाहिक सुखों का पूरा लाभ प्राप्त होगा। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान के द्वारा किए जा रहे अध्ययन में उन्हें सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में मित्रों कमी रहेगी, कह सकते हैं कि सामान्य स्तर से कुछ नीचे ही स्वास्थ्य रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि के जो जातक हैं उनका 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का समय कैसा रहने वाला है, तो आइए सब प्रथम चर्चा करते हैं उनके व्यवसाय को लेकर। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उन सभी कार्यों को पूरा तो आप अवश्य कर लेंगे, लेकिन आपके सहयोगियों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मानसिक परेशानियाँ भी आपको परेशान करेंगी। निर्णय लेने में आप पूरी ईमानदारी दिखाएंगे और पूरी ईमानदारी से ही अपने सारे कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करेंगे। वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत तो बने रहेंगे मित्रों, मगर जितनी आय आपको होनी चाहिए थी उसमें अवश्य ही कमी रहनी दिखाई दे रही है। जमा किए गए धन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में प्रगति तो होगी मित्रों, मगर आपको अपने इन संबंधों में कुछ ना कुछ मन में शंका बनी रहेगी इन संबंधों को लेकर के पता नहीं आगे जाकर के क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ऐसी कुछ शंकाएं आपके मन में चलती रहेंगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में कभी प्यार और कभी तकरार, ये माहौल बना रहेगा। संतान, संतान को इस सप्ताह अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर सामान्य से नीचे ही परिणाम प्राप्त होंगे, मतलब होने जा रहे हैं ये कह सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा किसी ना किसी कारण से प्रभावित भी रहेगी। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका अपना स्वास्थ्य सामान्य से ऊपर, यानी कि गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ आपकी इस सप्ताह रहने वाली है। अब चर्चा करते हैं मित्रों आपके साथ मकर राशि के जातकों के विषय में कि उनका 19 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच के समय कैसा जाने वाला है। सर्वप्रथम व्यवसाय के विषय में, तो मित्रों आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप किसी चीज़ से भी जुड़े हैं, रोजगार हो या फिर व्यापार, परिश्रम आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा अगर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करनी है तो। लेकिन जो भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे वे अचानक ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है आपने इधर परिश्रम किया रिजल्ट आपके सामने अचानक मिलेंगे। लेकिन जितने अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए थे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, उनमें आपको कमी अवश्य रहने वाली है इस सप्ताह। बुद्धि द्वारा अपने कार्यों को पूरा करेंगे परिश्रम के साथ साथ, मतलब परिश्रम तो करेंगे ही साथ में अपने बुद्धि बल का भी पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति सामान्य से ऊपर रहेगी, आय मध्यम होगी और धन का व्यय तो करेंगे लेकिन बहुत ही सोच समझ करके करेंगे। प्रेम संबंध, अपने प्रेम संबंधों को लेकर आपके मन में भ्रम बना रहेगा कि आगे ये संबंध चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। संतान, संतान को अपनी शिक्षा प्राप्ति में सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में मामूली गिरावट के ही संकेत दिखाई देते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि मित्रों उनके जातकों का 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का समय कैसा रहने वाला है, आइए वो भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम व्यवसाय के विषय में, तो मित्रों आपको इस सप्ताह अपने व्यवसाय में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपको कार्यों में आपके विलंब भी होगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी तो दिखाई नहीं देती है, साथ ही धन का संचय भी आप विशेष रूप से कर पाएंगे और सुख सुविधाओं भी का भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की प्रगति का कोई योग नहीं है मित्रों। विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन में तनाव बन सकता है, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में। संतान, शिक्षा प्राप्ति को लेकर संतान जो भी प्रयास करेगी उसमें इन्हें अचानक ही ऐसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं जिनकी आशा आपके द्वारा या इनके द्वारा नहीं की गई थी। ये परिणाम सकारात्मक ही होंगे, इस बात से पूर्ण रूप से आप निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सप्ताह आपका उत्तम रहने वाला है। मीन राशि के जातकों का 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का राशिफल क्या कहता है, कैसा समय रहेगा इनका, तो आइए इनके विषय में भी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इनके व्यवसाय के विषय में जानते हैं मित्रों। आप अपने विभाग में जो भी कार्य या व्यवहार करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी के साथ उसको अंजाम देंगे। इसके अतिरिक्त आपके ज्ञान और निपुणता का जो प्रभाव है वो आपके विभाग के अन्य सहयोगियों के और आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर भी बना रहेगा, यानी कि जो आपका एटीट्यूड होगा वो काफ़ी एप्रिशिएबल होगा सभी के द्वारा और जो आपके काम करने के तौर तरीके होंगे। वित्तीय स्थिति, जहाँ तक आय का प्रश्न है तो बताना चाहेंगे कि आय में सप्ताह कुछ कमी आपको महसूस होगी। धन का व्यय भी होगा और धन की स्थिति इस सप्ताह संतोषजनक कुछ नहीं रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर या तो आप बहुत गंभीर नहीं होंगे या फिर कह सकते हैं कि प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध सामान्य रहेंगे और संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि आपकी संतान की शिक्षा सप्ताह के अंत में प्रभावित होगी। आरंभ में सामान्य रहेगी लेकिन सप्ताह के मध्य में शिक्षा में प्रगति आपको होती दिखाई देगी। स्वास्थ्य, छाती में संक्रमण रोग यानी कि इन्फेक्शन जैसी समस्या की संभावना बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो आप थोड़ा सा सर्दी गर्मी से बचें और ठंडा गर्म खाने से भी बचें। तो यह था मित्रों मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के 12 राशियों का जो राशिफल है 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का, उसके विषय में सारी जानकारी आपको दी है मेष से और मीन राशि के जातकों की। यह राशिफल आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं या हमारे नए कार्यक्रम हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।